से वाइब्रेट होने लगा पेजर जो था डिवाइस, तो उसको उठा के देखा जाता है जिससे कि क्या मैसेज आया है। तो इतना खुफिया ढंग से इसके अंदर फिट किया गया था जानबूझ के कि अगर कोई नहीं उठाएगा पेजर को तो जेब में फटेगा, तो पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आ गई है, आंत बाहर आ गया है, पेट फट गया है ऐसे, और अगर कोई वहां उठा के मैसेज पढ़ेगा क्या चीज है तो ऐसे आंख के सामने फटेगा तो आंखें फट जाएगी। यहाँ पे कहते हैं समोन समोन मटायम, क्या भाषा है इसका, समोन मटायम, ये हिब्रू भाषा है इसका, इसको कोड में ने पता नहीं क्या बोलते हिब्रू भाषा में, यूनिट 8200 ने इसको अंजाम दिया है। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है खान सर की, और खान सर ने भाई जो अभी इसराइल ने लेबनान में ब्लास्ट किया है पेजर ब्लास्ट, तो उसी ब्लास्ट के बारे में भाई खान सर समझाएंगे कि पेजर आखिर होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है और किस तरह इसराइल ने भाई इसमें टेक्निकल कैसे क्या किया था कि जो लेबनान में ब्लास्ट किया और बहुत सारे आतंकी मारे गए, तो और इससे इंडिया आने वाले टाइम में इंडिया कितना अलर्ट होगा और इंडिया को क्या खतरा है, तो ये भी खान सर ने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। तो भाई वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जय हिंद। इसराइल जो देश है उसके दक्षिणी भाग यानी गाजा में तो युद्ध चल ही रहा था, अचानक से 17 सितंबर के दिन इसराइल के ऊपरी भाग यानी ऊपरी देश लेबनान, लेबनान के बाद हिजबुल्ला नाम का जो आतंकवादी संगठन है जिसे उसे इसराइल ने, इसराइल से काफ़ी उसका टसन चलता है, वहां पर अचानक से लगभग 3000 लोगों के जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया, और इसमें लगभग 2700 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, किसी का पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आई है, किसी की आंतें बाहर आई हैं, किस लोग का आंख खराब हो गया है, तो लगभग लगभग जो भी लोग इसमें जख्मी है वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, किसी का हाथ उड़ गया है, आंख खराब हो गई, जिंदा बच जरूर जाएंगे लेकिन इतना बेरहमी से मारा गया है कि अब एक आदमी अगर मर जाता तो एक आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए लाइफ टाइम एक आदमी देखभाल के लिए चाहिए। और ये अटैक कैसे हुआ, और ये इसराइल है, इसराइल के ऊपरी भाग में, इसराइल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए प्रसिद्ध है, इसराइल ने इस छोटे से दिखने वाले पेजर जो डिवाइस होता था उसमें ब्लास्ट कर दिया। देखिए पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है, जैसे हम लोग रेडियो लेके घूमते हैं उसके लिए कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं है, रेडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं इतने फ्रीक्वेंसी पे वो बजने लगता है, उसी तरह पेजर जो होते थे ये पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो इसी पे मैसेज आते थे, और ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था, पहले केवल एक ही डायरेक्शन से भेजा जा सकता था जैसे रेडियो होता है, बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ इसमें छोटे छोटे मैसेज भी आ जाने लगे यहाँ पर, इसके लिए कोई मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है जिससे कि इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है, और ये भी मोबाइल की तरह ही काम करता था, इसे हम लोग कई मूवी में भी देखे होंगे पेजर, इसको यहाँ पे पुष्पा मूवी में देखे होंगे, इसके पे मैसेज आ जाता है इसी पेजर पे, यहाँ पर डेंजर वगैरह का यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह भेजता होगा, ये उसका हेल्पर है यहाँ पर। आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी भी देखे होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये जो फैजल खान रहता है इसके पैर यहाँ पर एक तो आप देखेंगे पेजर ये डिवाइस लगा होता है, ये पेजर डिवाइस जो होता है ये उस समय मोबाइल जब नहीं हुआ करती थी तो यही मोबाइल था, ये रेडियो की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे चेंज डेवलपमेंट हुआ, अब सबके पास मोबाइल हो गया, अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है, अब जैसे वॉकी टॉकी कौन लेके घूम रहा है, अभी रेडियो लेके कौन घूम रहा है, पहले वॉकमैन पे लोग मैच देखते थे, वैसे ही ये भी था, लेकिन इसकी एक फायदा ये था कि इससे मोबाइल जो था वो से लोकेशन का नहीं पता चलता था, लेकिन इसराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्ला को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज़ कर रहे थे मोबाइल, मोबाइल यूज़ कर रहे थे, उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था और वहाँ पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए डायरेक्ट, तो हिजबुल्ला ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इसराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके, और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज़ करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फ़ायदा तो हिजबुल्ला को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता, जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर
लोकेशन में, लेकिन आप रेडियो पे आप सुनिए तो कोई नहीं आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहां से सुन रहा है, किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था, हिजबुल्ला अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इसराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी ने, हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पे। तो ये इसराइल के ऊपर लेबनान है, लेबनान ने 3000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान को, लेकिन ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था, पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहाँ बनने लगा हंगरी में। अब यूरोप में जब ये पेजर बनने लगा तो यहाँ से इसराइल का एक्सेस बहुत इजी हो गया। जब ये हंगरी से वापस यहाँ आ रहा था, इसी बीच में इसराइल ने यहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपलोड किया जो ब्लास्ट किया, आगे समझेंगे हम लोग कैसे किया था। जब ये पेजर हंगरी से 3000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचा, इसी बीच इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसकी एक यूनिट 8200 है, यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया, और उस विस्फोटक लगने के बाद ही यह पेजर पहुंचा था लेबनान में। अब यह विस्फोटक क्या था, गोल्ड अपोलो गोल्ड कंपनी का पेजर हो गया यहाँ पर, और इसमें क्या किया गया था, इसकी बैटरी जो थी, बैटरी ये चार्ज होता है जैसे मोबाइल चार्ज होते हैं वैसे ये भी चार्ज होता है, तो इसके बैटरी के बगल में एक छोटा सा 30 ग्राम का, महज 30 ग्राम का, लेकिन बहुत खतरनाक विस्फोटक जोड़ दिया, जिसको कहते हैं PETN 30 ग्राम काफी है एक इंसान का मतलब अंग को फाड़ने के लिए यहाँ पर। तो ये इसमें विस्फोटक लगा दिया और एक छोटा सा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिससे कि जैसे ये पीईटी को ब्लास्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है, तो बैटरी के बगल में ही इस विस्फोटक को रखा और एक सॉफ्टवेयर डाला जिससे कि बैटरी हीट हो जाएगी। अब वैसे बैटरी हीट होगी, वो सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो बैटरी हीट करके इसे ब्लास्ट कर जाएगी। और हिजबुल्ला के पास ये 3000 पेजर पहुंच गए, हिजबुल्ला ने अपने इन 3000 पेजरों को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दिया गया। कोई फल विक्रेता था, कोई ये इवन ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुंच गया, उनकी वो आँखिए बाहर चला, ये फट गया आँखिए उनका, बेचारा ईरान को तो तबाह कर रहा है यहाँ पे। और जितने उसके खुफिया एजेंट थे सबके पास ये पहुंच गया यहाँ पे। इसी बीच ये फरवरी में आया था पेजर इसराइल का था कि हम 2-3 साल बाद इसे ब्लास्ट करेंगे, जब तक कि घर घर ये पेजर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना जल्दी अचानक ब्लास्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हिजबुल्ला था जिसके पास एक पेजर था उसको डाउट हुआ था, उसको डाउट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो इसने अपने सीनियर को बताया कि जो पेजर हम लोग यूज कर रहे हैं ना इसमें हमको लगता है कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, इसका सीनियर भी मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए हिजबुल्ला में जो सीनियर कमांडर है वो एजेंट निकला इसराइल का। इसराइल ने तो हिजबुल्ला का रक्षा मंत्री मोसाद के एजेंट को बना दिया था यहाँ पर, इतना टॉप पकड़ है। तो उसने क्या किया, जो इसका सीनियर है पेजर की जांच कराने के बजाय इसी को मरवा दिया, कहा कि इजरायली हमले में मारा गया यहाँ पर, और उसने इसराइल को संदेश भेजा कि अब इस पेजर को जितना जल्दी हो सके इसका यूज करो, अदरवाइज में 1-2 खबर आई है जब जांच होने लगेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये खबर लीक हुई थी जुलाई में, और सितंबर में हिजबुल्ला जो था कुछ मैसेज देना चाह रहा था, तो इसने ये सितंबर का डेट रखा कि भैया अभी इसको जितना जल्दी ब्लास्ट कर दो वरना ये किसी काम का नहीं होगा, वरना इसे ब्लास्ट करेंगे नहीं तो ये किसी काम का नहीं बच जाएगा। तो इसे ब्लास्ट करने के लिए प्लान बनाई गई। हिजबुल्ला जो था अमूमन 12 से 4 के बीच में, 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता था कि किस तरह से इसराइल पर अटैक करना है, क्या करना। इसी का फायदा उठा के 3:30 बजे 17 सितंबर को 3:30 बजे इसके सॉफ्टवेयर को अब को एक्टिवेट किया जाता है। इसे इस तरह से सेट किया गया था कि एक साथ 3000 लोगों पर मैसेज चला जाएगा। जैसे इसराइल ने वहां से मैसेज भेजा 3:30 बजे 3000 लोगों के जेब में, अलग अलग शहर मोहल्ला गली लोग कहीं थे, कोई गाड़ी में था, कोई घर में था, कोई दुकान पे था, उनके मोबाइल अचानक से वाइब्रेट होने लगा, पेजर जो था डिवाइस, तो उसको उठा के देखा जाता है जिससे कि क्या मैसेज आया है। तो इतना खुफिया ढंग से इसके अंदर फिट किया गया था जानबूझ के कि अगर कोई नहीं उठाएगा पेजर को तो जेब में फटेगा, तो पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आ गई है, आंत बाहर आ गया है, पेट फट गया ऐसे, और अगर कोई उठा के मैसेज पढ़ेगा क्या चीज है तो ऐसे आंख
आंख के सामने फटेगा तो आंखें फट जाएगी यहाँ पे, इतना खतरनाक इसको सिस्टम बनाया गया था। तो जैसे हिजबुल्ला के आतंकवादियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पढ़ना चालू किया कि क्या मैसेज है, तब तक अचानक से फट गया और उनकी आंख तक बाहर आई है। इतनी बुरी तरह से हालत है कि जो बच गए हैं वो मरने से बुरी हालत में है यहाँ पे। अब उनकी देखभाल करने के लिए एक आदमी उनको परमानेंट चाहिए होगा, और ऐसा नहीं जैसे कोरोना कैसे फैला था, गली गली में कोई इधर से मर रहा है कोई इधर मर रहा है, वैसे फैल गया, हाहाकार मच गया पूरी तरह से, हॉस्पिटल में लाइन लग गई यहाँ पर और एकदम चारों ओर से उसके हॉस्पिटल भर गए इस ब्लास्ट की वजह से। डॉक्टर्स पूरी तरह से बिजी हो गए और 3000 में से 2800 का पेजर फटा था, 2800 का 200 बच गया है। रीजन क्या है, कोई अपना पेजर रख के बाथरूम में गया है, कोई पेजर रख के अपना सो रहा है, मतलब बॉडी से दूर है तभी बचे हैं, नहीं तो फटा पूरा एक्यूरेट है यहाँ पे। इसमें लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई, अब मृत्यु का आंकड़ा और बढ़ेगा, पूरी हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है, साइड साइड में लगा के इलाज करना पड़ रहा है। इसराइल पूरी दुनिया को दहला दिया ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, हालांकि इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। इसराइल अपने दुश्मनों को यहाँ पे गाजा को तो निपटा दिया, यहाँ पर पारापारी ये आ रहे हैं, जब गाजा को निपटा देगा तो अगला नंबर आएगा इसका यहाँ पर हिजबुल्ला को निपटाना, जब हिजबुल्ला को निपटाएगा तब ये वेस्ट बैंक को निपटाएगा, पूरा खा जाएगा फिलिस्तीन वगैरह को। गाजा को तो निपटाइए दिया यहाँ पर, तो इसको और इसने घर बैठे बैठे बिना गोली चलाए पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया। अब हिजबुल्ला को समझे में नहीं आ रहा है मैसेज कैसे दे, फोन पे दे कि क्या दे, तो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया इसने। और ये काम किया कौन सा, तो इसकी एक एजेंसी है जिसको कहते हैं समोन मटायम, क्या भाषा है इसका, समोन मटायम, ये हिब्रू भाषा है इसका, इसको कोड में ने पता नहीं क्या बोलते हैं हिब्रू भाषा में, यूनिट 8200 ने इसको अंजाम दिया है। और यही है खतरनाक एजेंसी जो अंजाम देती है, साइबर अटैक जब भी होगा इसराइल के थ्रू तो यही एजेंसी, हमेशा याद रखिएगा यूनिट 8200, इसमें मोसाद भाग नहीं लेती है, ये मिलिट्री का विंग है, ये बहुत खतरनाक काम करती है। इसराइल जो था यूरेनियम बना रहा था, तो जो प्रकृति से यूरेनियम मिलता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसे एक सेंट्रीफ्यूल में घुमा घुमा के उसमें से निकाला जाता है, कैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं दही में से और ऐसे दूध को मथ के दही को मथ के यहाँ से निकाला जाता है, तो उसी तरह सेंट्रीफ्यूल होता है। इसने ऐसा अटैक किया सेंट्रीफ्यूल का स्पीड कभी बढ़ जाता था कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता घट जाता, तो यूरेनियम दो टाइप के होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसी को अलग करने के लिए, जैसे मक्खन और घी को कैसे अलग करते हैं, दूध दही को ऐसे अलग करने के लिए वहां पे, तो इसने क्या किया, स्पीड बढ़ाने घटाने से क्या होगा, वापस सब आपस में मिल गया यहां पे, जिससे कि उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ा। हालांकि बहुत जल्दी आप देखेंगे ईरान अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम ईरान के परमाणु परीक्षण की बात करेंगे, अभी इसमें मोसाद हाथ नहीं था, यूनिट 8200 इसमें मेन इसका किरदार था। अभी इसके बाद हिजबुल्ला में तो अभी ये पेजर ब्लास्ट हो ही रहा था, वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट होने लगा, 15-20 आदमी वॉकी टॉकी में ब्लास्ट में होने लगे यहाँ पे। ये भी क्या हुआ, ताइवान कह रहा कि भाई हमारे यहां से नहीं बना, इसमें मेड इन चाइना लिख रहा है यहाँ पे, ये भी ब्लास्ट हो गया। अब बात किस पे करें लोग, इसके अलावे लोग जो छतों पे सोलर प्लांट लगाए हैं ना, कहने के लिए सोलर प्लांट है, इसके अंदरवा बम है, अब पता ही नहीं चल रहा है उन लोग को भड़केगा क्या। अब अगला ब्लास्ट आप देखिएगा वहां एसी में होने वाला है, जो लोग एसी लगाए होंगे गर्मी में उड़ेगा यहाँ पर। अभी इसराइल ने ऐसे खुफिया एजेंसी में लेबनान के अंदर हिजबुल्ला के आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट घूम रहे हैं, जिसको टूथपेस्ट कोई करेगा तो मर जाएगा यहाँ पे। अब कुछ दिन में ये सुनाई देने वाला है कि वहां टूथपेस्ट से मरने वाले हैं सब वहां पे। अब कोई भैया तुम लोग देखो मंजन के जगह अब तुम लोग दतुअन करो, भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझाइए सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग क्या कांड किए हो, सामने वाले का हैसियत देख के ना लड़ा जाता है, और अगर अभी पावर नहीं तो पढ़ाई लिखाई करो, 10-15 साल में परमाणु बम ले आ देना, कौन सी चिटपुटिया फेंकते हो इसराइल के ऊपर बताओ, ये सब घुस आएगा सब तो इसराइल के ऊपर क्या करेगा सब, AK-47 दो चार को रॉकेट मार देगा सब। ई बेवकूफों को ये नहीं समझ में आता है कि जितना ही रॉकेट मारेगा सबको आयरन डोम से मार के गिरा देगा, और उसके बाद पूरे विश्व को कहेगा कि हम तो अपने बचाव के लिए किए हैं, क्योंकि इनको तो भाई बहाना मिल गया यहाँ पे, समझा कि चिटपुटिया मारता है सब यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई करो, जितना ये सब पढ़े लिखे हैं सब यहाँ पे, तुम भी बना लो परमाणु बम, कौन मना किया, ये लोग पैदा हुए थे क्या परमाणु बम लेके, या अमेरिका पैदा हुआ था, भारत ने कभी परमाणु बम लेके हम लोग आए थे क्या, गुलामी झेले 1962 की लड़ाई में हम लोगों को हैसियत दिखा दिया था चाइना ने, उसी समय हमारे देश ने सोचा था कि कुछ भी हो जाए हम परमाणु बम बना के रहेंगे, आज चाइना की औकात है नहीं है, तो भाई तुम्हें अपने देश का रक्षा करने का अधिकार है, उसे अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है, और तुम लोग पारापारी आओगे तो ये सबको निपटा देगा, और एक साथ आने की तो ताकत है ही नहीं है, खैर क्या ही बोलेंगे हम यहाँ पे, तो आयरन डोम से मार के गिरा देता है यहाँ पे। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब
लिबनान में ये हो सकता है, तो हम लोग का ही मोबाइल उबाइल काहे नहीं फट सकता है? ये चाइना से बन के आ रहा है, क्या पता चाइना इसमें बैटरी के जगह पे क्या लगाया। हम लोग को दिख रहा है कि भैया इतना बड़ा बैटरी है, पता चला इसमें आधे दूर बैटरी है आधा दूर विस्फोटक रखा हुआ है, कहियो हम लोग उधिया जाएंगे लोग यहाँ पे, कोई ठीक नहीं है। तो सरकार को चाइना से आने वाले लैपटॉप टैबलेट मोबाइल इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाहर से किसी क्लाउड या सर्वर द्वारा कंट्रोल हो सकता है उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए, और जो भी डिवाइस बने भारत में बनते रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेक इंडिया के नाम पर यहाँ पर हम लोग यूपीआई बना के खुश हैं कि हम लोग यूपीआई बना लिए। एक दिन गूगल बाहर करेगा ना जीमेल से, सारा यूपीआई बंद हो जाएगा। हम लोग हल्ला कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, हम लोग डिजिटल इंडिया नहीं है, डिजिटल यूजर है। हम लोग अमेरिका का बनाया ट्विटर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब गूगल यूज कर रहे हैं। हमें भैया हम लोग यूजर हैं, हम लोग क्रिएटर नहीं है, यूज कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे आके नाच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे आके नाच रहा है, कहियो बंद करेगा रूस की तरह हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का मतलब ये थोड़ी होता है कि जियो का 1.5 GB डाटा शाम को 4 बजे खत्म करके फूंक दिए, काम खत्म, डिजिटल इंडिया हो गया, ऐसे नहीं होता है। हम लोग डिजिटल यूजर बन चुके हैं। अब जरूरत है देश को आगे बढ़ने की, अपना डिवाइस अपने कंट्रोल में रखने की, वरना एक दिन हम लोग के साथ भी कहीं क्या पता चाइना इसे कर दे। हम और आप क्या कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा ये लेके जितना टीचर लोग पढ़ा रहा है ये पैनल वगैरह इंडिया में कहाँ बन रहा है? ये मजबूरी में कोई लेके आ रहे हैं लोग, हाँ खरीद रहा आदमी इंडिया से, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, ये सब सस्ता 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 चाइना में बन रहा। घर घर में अगर वो ब्लास्ट कराना चाहे हम लोग को तो पंगू बना के रख देगा यहाँ। तो ये सोचने की जरूरत है दोबारा मेक इन इंडिया को, जिससे कि भारत जैसे देश को सुरक्षित किया जाए। चलें जी वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, पेजर ने तो भाई हिला के रख दिया, वो जिस तरह एक डायलॉग भी हिला दिया ना, वो वाला हिला के रख दिया। इतने जालिम है यार, लो जी अब इसमें जुल्म कहां से हो गया भाई, ये पता नहीं कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन मैं तो आज ये जो सुना है ना खान सर की जुबान से, इतने जालिम किस्म ये जो आज हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ना और एडवांस हो रहे हैं, मुझे आपसे मोबाइल से भी डर लग रहा है। उन्होंने सदियां पहले भाई साहब बनाकर और ऐसे ही ऐसे यूं समझो कि सारा कंट्रोल उनकी मुट्ठी में, बिल्कुल पूरी दुनिया का, सिर्फ हिजबुल्ला का नहीं, उनके ऊपर तो उन्होंने किया है ना। जी सर, अरे भी काम कर रहे, तुम्हें समझाया था, तुमने सीरियस से नहीं लिया। अच्छा बीच बीच में हंसी बहुत आ रही थी मुझे, जब वो तरीका नहीं इंडिया के रिलेटेड जो बता रहे थे, और ये सच है, वो यूजर ही है दुनिया के सबसे बड़े यूजर, इंडिया नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलर इंडिया की आबादी कितनी बड़ी है भाई। अच्छा भाई मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो फीचर है बनाया गया वियतनाम को मिला था ना, वियतनाम को मिला उसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अंग्रेजी को दिया, और अंग्रेज यूरोप सारा कुछ एक ही इजराइल एक ही कुछ यूरोप वाले यार, वो तो चलो कुल मिला के जो कुछ भी घूम घुमा के जिधर से भी होता है, चलो हंगरी की तरफ ना भी जाता, बीच में ये जो मेन मास्टर उनका बैठा हुआ था वो भी इजराइल ही निकला, वही झंडी उनका निकला। जी टेक्नोलॉजी यकीन माने सीरियसली, जब से मैंने ये खबर सुनी है तब से एक ही चीज में चल रही थी कि यार उन्होंने किस तरह इसको प्री प्लान किया और उसको इम्प्लीमेंट किया और उस प्लान को कामयाब किया। चले ये तो बात हो गई ये कामयाब होने की कि वो प्लान उनका कंप्लीट हो गया, कामयाब हो गया, सब सराह रहे हैं, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार प्लान इस तरह क्रिएट किए जाते हैं, बगैर कुछ किए, बगैर आए, बगैर हथियार उठाए उन्होंने वो मसला हल कर दिया और बंदे चुन चुन के मारे, मतलब वो हिसाब हो गया, उनको पता था टारगेट कहाँ पे है, ऑटोमेटिकली उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, और टारगेट को पता नहीं था भाई जो हाथ में लेके घूम रहे हैं वो एक किस्म का बॉम्ब भी है, और हम गए किसी वक्त भी, उन्होंने एक मैसेज भेजा है ठीक है, और सबकी छुट्टी हो गई है। चले ये तो उनका प्लान जो था प्री प्लान वो कामयाब हुआ, इतने सालों का था वो उन्होंने कामयाब कर लिया, लेकिन बात जो देखने वाली है सोचने वाली है कि आने वाले वक्त में हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें, हम हैकर से और दूसरे लोगों से उन चीज़ों से डरते हैं यार, अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली फ़ोटोज़ वीडियोस और भी बहुत सारे जीमेल वगैरह, मतलब जिन पे आपने अकाउंट क्रिएट किए होते हैं या कुछ और होता है, आपका बिजनेस चल रहा होता है तो उनको सेव करने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये तो डिवाइस पुरानी थी तो मतलब इसको उन्होंने मिसयूज़ किया, मतलब कि आजकल की डिवाइस आपके पास जो है वो 5000 mAh बैटरी, 3000, 5000 से ऊपर भी हैं ठीक है, और उनमें आप कोई चीज़ भी फिट कर सकते हो, और जितनी मिकदार उस क्वांटिटी उन्होंने उस चीज़ की बताई है, वो जो ब्लास्ट मटेरियल डाला गया है वो यार इतनी सी क्वांटिटी
और उसने इतना ब्लास्ट किया है एक पेजर में, इतनी सारी डिवाइस में, एक सिर्फ सेल है, रिचार्जेबल सेल है वो, उसके साथ उसने लगकर मतलब इतना ब्लास्ट कर दिया है। तो मतलब ये सबसे पहले खान सर के लिए वेल डन, और उसके बाद इजराइल के लिए वेल डन। मेरा दुश्मन मुल्क है, मैं सबसे ज्यादा इन दोनों से ज्यादा मैं इजराइल के खिलाफ, मेरा मौकफ आप जानते हैं इजराइल पर। और वेल डन मैं क्यों कह रहा हूँ, उनकी दानिशवरी पर, उनकी हिकमत पर, उनकी सोच पर, उनकी तालीम पर, उनकी जो नई रिसर्च पर, दुनिया को जो चौंका दिया कि इस तरह भी हो सकता है। सही कहा है खान साहब ने कि पढ़ो, थोड़ा सा इजराइल, छोटा सा मुल्क, कितनी आबादी होगी, पाकिस्तान के फैसला बाद से उसकी आबादी कम है, हमारा जिस फर्स्ट एरिया शहर में हम रह रहे हैं ना उससे उसकी आबादी कम है, लेकिन उन्होंने काम कैसा कर दिया, दुनिया को दहला दिया। अच्छा यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यूक्रेन जो मुल्क है उसकी आबादी कितनी है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। रूस के मुकाबले में कितना सा मतलब? बहुत थोड़ा सा। उसके लड़ने की वजह क्या है, मतलब उसको जंग में जो डटा हुआ है उसकी वजह क्या है? उसको सपोर्ट है यूरोप की और यूएसए की। जितना भी ये एडवांस है, जितनी भी इनकी बस आ रही है, यूरोप आज पीछे हट जाए तो कौन अमेरिकन भाई? मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है इजराइल दुनिया के सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज याफ्ता किस कंट्री से है? मैं अपनी तालीम को मानता हूँ, मेरे पास तालीम है। इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई यूएसए रेजिडेंट है या कैनेडियन रेजिडेंट है, मैं आपको दावे से कहता हूँ आज सबसे ज्यादा जिनके पास नोबेल प्राइजेज है ना वो सबसे ज्यादा यहूदी है। जो मिले वो जो बैटरी के साथ उसने एक छोटी सी डिवाइस जो उसने लगाई थी, ओनली 30 ग्राम की थी और उसमें इतना हैवी मवाद था कि एक इंसान को मतलब कह लो कि इंजर करने के लिए, एक इंसान का कह लो कि पूरी जिंदगी तबाह करने के लिए वो काफी था। और वो अगर देखा जाए तो ये इसने इसराइल ने अपनी हिफाजत के लिए सब कुछ किया है। हकीकत यही है, जंग होती है दोनों तरफ जो है ना कैजुअलिटी होती है। यहाँ अगर देखा जाए इसराइल का पलड़ा भारी है और मुसलमानों को ऊपर मैं और खान सर और भी बहुत सारे लोग जो है ना इसलिए गुस्सा होते हैं, ये दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं और दौड़ चढ़ दौड़ते हैं कि हम ये कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, जब आप मैदान में निकले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगला हम शेर है तो वो हमसे सवा शेर है। तो हम जब ये मानेंगे, जब उसको हम ताकतवर मानते हैं इसराइल को, फिर हम उसके खिलाफ जो है ना हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम दूसरों की चीजें जो लेके, जैसे पहले उन्होंने बात की कि जो पहले हिजबुल्लाह के खास कमांडर जो मारे जा रहे थे वो मोबाइल यूज कर रहे थे, हिजबुल्लाह को उस टाइम पता चला ये तो हमारी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं, हमारे बड़े बड़े बंदे मारे जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये, हालांकि ये भी इसराइल का ही था, ये किसी न किसी तरीके नई टेक्नोलॉजी की तरफ आए और नई टेक्नोलॉजी को हम जो है ना हैक करेंगे या जो भी करेंगे उसके ऊपर देख लें कि इसराइल ने कितनी बड़ी प्लानिंग की। पहले ये मामला गया था हांगकांग के पास, हांगकांग ने, हो सकता है हांगकांग भी इसमें मोसाद की बात मान के किसी ना किसी वजह से वो उसने हंगरी को दिया और हंगरी से जो जो डिवाइस आई है वो सीधी डायरेक्ट इसके पास आई है, हिजबुल्लाह के पास। और उसके बाद जो इसके बीच का जो टाइम था इसमें जो है ना इसने सारा इसराइल ने काम किया है। और देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा है कि इसराइल बहुत ताकतवर है, वो अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने अवाम को बचाने के लिए उसने बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बना ली। बाद में सर बोला, बिल्कुल सही बोला कि हाँ। क्या पता चाइना, हम लोगों को पता है कि चाइना कैसे मतलब इंडिया को मतलब क्या मतलब कैसे वो अपना ऐप जो बैन कर दिया इंडिया में, बहुत सारे ऐप जो बैन हुआ, टिकटॉक और बहुत सारे ऐप जो बैन हुआ उसमें तो हम लोग को बोला गया कि वहां से चाइना को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है चाइना, फिर भी हम लोग अभी भी चाइना का ही फोन यूज कर रहे हैं, तो क्या पता कि अंदर क्या कुछ भर के नहीं भेजे है, हाँ, है बिल्कुल ना? बिल्कुल भर कर सकते हैं क्योंकि ये सब चाइना एकदम मास्टरमाइंड है ये सब करने में। तो देखकर इजराइल के पास क्या टेक्नोलॉजी है भाई, क्या जबरदस्त साइंस का इस्तेमाल इजराइल करता है भाई, किस प्रकार से उन पेजर के अंदर जो है ब्लास्ट पहले से ही जब वो तैयार किए तब से ही अंदर उसके अंदर वो 30 ग्राम का भाई ब्लास्ट उसके अंदर कोई ऐसी टेक्निक के साथ उसमें डाला हुआ था। और वो
अब भी इसराइल बहुत कुछ बड़ा करने वाला था, जब घर घर में वो पहुंच जाता था हिजबुल्ला के अंदर, तो भाई तब होना था ये सारा काम। लेकिन वो जो हिजबुल्ला के जो लोग हैं या जो भी, उनको समझ में आने लगा कि इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। तो ये थी दोस्तों वीडियो, और भाई खान सर ने एक्सप्लेन किया कि पेजर ब्लास्ट इसराइल ने कैसे किया था, और भाई इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस में भी, और ये मिसाइल साइंस में भी, और भी फील्ड में। तो लेकिन भाई ये जो इसके आस पड़ोस के जैसे फिलिस्तीन है, अभी वो हमास ने उन पे अटैक कर दिया था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि भाई कुछ जैसे पाकिस्तान जैसे देश हैं, इसराइल को पहली बात तो ये कहते हैं कि हम उसे मानते ही नहीं कि वो देश, इनके मानने ना मानने से क्या होता है। लेकिन दूसरा ये कि जो भाई फिलिस्तीन है और जो ऐसे हमास वालों ने अटैक किया था, अब हमास ने पहले इसराइल पे अटैक किया, इसराइल ने उसके बाद इनके इनको भाई उखाड़ने लग गया, तो अभी बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को बुरा भी लगता है कि भाई इसराइल गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है यार, वो अगर उसके ऊपर अटैक करोगे, और वो वीडियो जब इसराइल पे अटैक हुआ था हमास वाला, तो आप लोगों ने भी देखा होगा यार, सोते हुए बुजुर्गों को, बच्चों को, और जो लड़कियां थी वहां पे, उनको रोड पे जो लाके उनको जिस तरह घसीट घसीट के गोलियां मारी गई थी, तो और ऊपर से उनकी तस्वीरें भाई बहुत गलत गलत तरीके से ली गई थी। तो भाई जब वो किया था, तो इसराइल जब वो कर रहा है तो इनको क्यों बुरा लग रहा है, और जब हमास ने अटैक किया था तो किसी को बुरा नहीं लगा था। और दूसरा ये है कि लेबनान भी अभी हमास इतना मार खा रहा है, लेकिन लेबनान भी सुधर नहीं रहा है, और वो ईरान के इशारे पे करता है ये सब, ईरान उसको हथियार वगैरह सप्लाई करता है, तो बहुत सारे कमांडर उसके मारे भी गए हैं और हिजबुल्ला के, लेकिन अभी ये हमास का जो हमास तो ख़त्म ही हो गया एक तरह से, जो गाजा गाजा पट्टी जो एरिया था मोस्टली, वो मेरे ख्याल से 80-90% ख़त्म हो गई है। और लेबनान लेकिन अभी भी नहीं सुधर रहा है, उसको ये नहीं पता कि इसराइल का 1 घंटे भी वो मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी यार इन लोगों के पास कितना बददिमागी है। और देख लो अभी पेजर ब्लास्ट उसने करवाया, और सोचो यार इतने लंबी प्लानिंग, इतने दिन से सब कुछ हो रहा था। तो भाई और जो दूसरा भाई इंडिया के फैक्ट पे आते हैं, तो इंडिया के लिए जो खान सर ने बोला है कि भाई चाइना से जो बहुत सारी डिवाइसेस इंडिया में आती हैं, तो भाई ये बात तो सही बोल रहे थे कि गवर्नमेंट को इन पे बैन लगाना चाहिए, अगर देना भी है उनको मैन्युफैक्चरिंग देनी है तो उनको बोलो भाई इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, यहीं बनाओ, हम चाइना से यहां नहीं मंगाएंगे। तो लेकिन ये है कि अभी भाई हम आपको पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसका पार्ट या तो चाइना से आ रहा है या पूरी बन के वहाँ से आ रही हैं, मोबाइल्स वगैरह या टीवी वगैरह, बहुत इवन कि बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो चाइना के लग रहे हैं, तो चाइना से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इस पर गवर्नमेंट को वही सोचना चाहिए कल को, और ये आइडिया आता है भाई ऐसे चीज़ों देख के, जैसे अभी इसराइल ने किया है, तो बहुत देशों को ये आइडिया आता है कि उस देश को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए। तो हमारे यहाँ तो भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट के बहुत सारे यूज़र हैं इंडिया में, और चाहे वो मोबाइल के ज़रिए है, टीवी के ज़रिए है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस मामले में भाई खान सर सही बोल रहे थे कि ये वीकनेस है इंडिया की जो दूसरे के हाथों में। तो अगर आप लोगों को भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.